नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप रिच फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टियां अभी से ही आगामी चुनाव या फिर कहें कि आगामी वक्त के लिए अपनी कमर को कस रही हैं। लवकु समीकरण को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर के भी तमाम तरह की कवायतें की जा रही हैं। तमाम चीज़ों के बीच में लवकुश समाज को लेकर के एक बड़े सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बिहार के मधेपुरा जिले के आलमनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज बसनवाड़ा में हुआ, जहां पर लवकु समाज के द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू का भी सम्मान किया गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। अमरिंदर सिंह चंद्रवंशी जी, इसमें हमारे अभिभावक और बिहार के सरकर्ताओं के मंत्री, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री तरुण कुमार जी, यहाँ के आपके बदल के विधायक हम लोग के गार्जियन पन्ना लाल पटेल जी, सुल्तानगंज के माननीय विधायक ललित मंदिर जी, जिला अध्यक्ष मधेपुरा के गुड्डी देवी जी, प्रायोजक श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, आलमनगर प्रखंड के अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह जी, जनार्दन राय जी, चौसा के मनोज प्रसाद जी, स्थानीय मुखिया अंजनी बाबू और खगड़िया के जिला अध्यक्ष भाई हमारे बबुल मंडल जी, प्रोफेसर नंदकिशोर सिंह जी, मणि मंडल जी, गोपाल शर्मा जी, बागेश्वर मंडल जी सहित उपस्थित तमाम हमारे सभी भगवान साथी माताओं बहनों, सबसे पहले इस पावन राष्ट्र का नमन करते हुए हम अपनी तरफ से आप हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज सम्मान जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, आप सम्मान सही मामले में आप लोग आना चाहिए कि आपने हम लोग को सेवा करने का काम करने का मौका दिया है और देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपनों को साकार किया, उनके हाथ को मजबूत किया है। आज देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं और उस जिले के हमारे निवासी है। दो बातें कहकर हम अपनी बात समाप्त करेंगे। हम भी चाहेंगे अपने गार्जियन को सुनना। सरवण बाबू तो कार्यकर्ताओं के मंत्री इसलिए बोले हैं, जब हम लोग 2001 में मुखिया बने थे उस समय राजद की सरकार थी और हम लोग कहीं नहीं दिखाई देता था, कोई परेशानी पड़ते थे सरवण बाबू के आवास पर हम लोग पहुंचते थे। पटना में जो आवास सब टूट गया है हड़ताली मोड़ के बगल में, जब हम लोग विधायक बन गए तो नरेंद्र बाबू का भी मंत्री रहे, बहुत श्रेय फिल्म थी हमारे अटल जी भी हमारे बहुत प्रेम से लगे, इसलिए हमने कार्यकर्ताओं के मंत्री उन लोगों को बताया कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के लिए कहीं रुक खड़े हो जाते हैं, आगे उतर जाते हैं। हम दो बात आपसे कहना चाहेंगे। नंदकिशोर बाबू, प्रोफेसर नंदकिशोर बाबू ने जो बातें कही उस बातों से हम पूर्णतः सहमत हैं। हमारा लोग कुछ समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, सम्राट अशोक से लेकर शिवाजी महाराज से लेकर पटेल जी से लेकर आपके बिहार के सभी लोग जानते हैं। और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के बारे में, हम भी यह बात स्वीकार करते हैं कि नीतीश बाबू यदि बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते तो हम लोग सपा से हम लोग कभी विधायक नहीं होते। इस आजादी के बाद पहली बार लोग समीकरण का आशा खुला है। हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि जो अपना इतिहास भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना है, अपने इतिहास की याद रखना है और जो अपने इतिहास को भूल जाएगा उसका अस्तित्व मिट जाएगा, इसलिए अपने इतिहास को बरकरार रखना है। अपने इतिहास के जो पूर्वज है वहाँ मृत्यु के लिए उन्होंने कहा, हम लोग उस बात का समर्थन करते हैं। हमारे पटेल जी ने उन समाज के लोग को संविधान के जो भी महापुरुष हुए, जो भी समाज के लिए कुछ किए, उनको याद करने की जरूरत है, उनके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है, उनके बारे में बताने की जरूरत है। आप विधानसभा में जाते होंगे, हम आपको बताते हैं हम लोग जिले के राजेंद्र सिंह साथ सही जो बिहार में हुए हैं उसमें आपके भी राजेंद्र सिंह सही हुए थे, जो विधानसभा के गेट पर रोक लगा है उसमें आपका भी उनको लगा है, ये आपको याद करने की जरूरत है, यही आपका इतिहास है। इस तरह हजारों लोग हर जिले में हर क्षेत्र में होंगे
के समाज के कुछ लोग होंगे उनको याद करने की जरूरत है, उनको संरक्षित करने की जरूरत है, उनको आने वाले पीढ़ियों को बताने की जरूरत है। हम लोग अपने पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को जब अपने इतिहास के बारे में नहीं बता पाएंगे वो अपना इतिहास भूल जाएंगे, और जब अपने इतिहास भूल जाएंगे तो अपना अस्तित्व मिट जाएगा। इसी बात कहेंगे जो अपने इतिहास को याद रख रहा है। दूसरी बात, एक और आपसे हम आग्रह करेंगे कि शिक्षा, शिक्षा पर हम अपने बच्चों को ध्यान दें। हम लोग यहाँ तो पहुंचे हुए लोग हैं, सब लोग शहरे हुए लोग हैं, कोई मंत्री बन गए, विधायक बन गए, शिक्षक बन गए, प्रोफेसर बन गए, मुखिया बन गए, हम लोग भी मुखिया रहे, प्रमुख रहे हैं, आज भी हमारे घर में प्रमुख है। लेकिन जो यहाँ बच्चा बैठा है वो भारत का राष्ट्रपति बनेगा कि भारत का प्रधानमंत्री बनेगा कोई नहीं जानता है। इसे शिक्षित करने की जरूरत है, इसे पढ़ाने की जरूरत है, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। यही मेरी आपसे निवेदन है कि शिक्षा जीवन की मायशक्ति है। लोग राजनीति को मायशक्ति कहते हैं, राजनीति सत्ता की ओर चाहती है, इससे दुनिया का हर कारक होता है, लेकिन शिक्षा जीवन की मायशक्ति है। इसे शिक्षित बने, संरक्षित रहे और संघर्ष करें, सफलता आपके कदम चुनेगी। इन सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोग हमको बुलाकर इतना मान सम्मान देने दिए। पन्ना बाबू का एक आदेश हुआ कि भाई उनकी आना है, हम सहर्ष स्वीकार के और आपके दिन आए, आप हमको बोलने का मौका दिए, इतना मान सम्मान दिए, हम आपके जीवन में कहीं कोई काम आ जाएंगे, खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद।